आपको दिखा रहे हैं हाइड्रोपोनिक विधि से किस तरीके से खेती की जाती है, बिना मिट्टी के खेती कैसे की जाती है। लोगों को ये लगता है कि बिना मिट्टी के खेती कैसे होगी, बिल्कुल हो सकती है। बेसिकली बिना मिट्टी की खेती इजराइल की टेक्निक है। इजराइल में बरसों से इसी पद्धति से खेती होती आ रही है, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी जो है वो पानी पौधों को मतलब पोषित करने के लायक नहीं है। वहाँ पर बिल्कुल रेत वाली मिट्टी है, समुद्री पानी है, चारों तरफ खारा पानी है, इसलिए वहाँ पर मिट्टी में किसी भी तरह की फसल पैदा नहीं की जा सकती। और आप जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी तरीके से अब सब्जी तो उगानी ही पड़ेगी, तो उन्होंने यह नया तरीका ईजाद किया और आज उसी तरीके से पूरे इसराइल में और अब तो जापान में, चाइना में, यूके में, अमेरिका में और अब धीरे धीरे इंडिया में भी इस पद्धति से खेती की जाने लगी है। और इसराइल हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेजिटेबल एक्सपोर्टर है। और आज हम आपको दिखा रहे हैं यूपीआई फिनसर्व के सौजन्य से कि किस तरीके से, ये देखिए आप देख पा रहे हैं कि ये खीरा और कितनी अच्छी पैदावार है। हाँ, अगर आप देखेंगे ये देखिए, इसका वो स्वाद मिलेगा आपको, आप सोच भी नहीं सकते। अपने बच्चों को, अपने माता पिता को जहरीली दवाइयों से बचाएं, जहर से बचाएं। जो अगर आप मिट्टी में देखते हैं कि मिट्टी में हमें पिए नहीं पता होता कि मिट्टी के अंदर कितना पोषक तत्व है। जब मिट्टी अच्छे पोषक तत्व वाली नहीं होती तो और हमारी पैदावार भी अच्छी नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर खतरनाक जहरीले फर्टिलाइजर का स्प्रे करते हैं और वही स्प्रे धीरे 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 हमारे अंदर हमारे शरीर में जाता है, जिसे स्लो पॉइजन की तरह जाता है वो, और जिससे कैंसर जैसी भयानक बीमारियां होती हैं। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर ऐसा बीमारियां लगने जैसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह की बीमारियां पौधे को लगेंगी, क्योंकि पौधे को टाइम पर उसका न्यूट्रिएंट्स, उसका पोषक तत्व मिल रहा है और जितना उसे मिलना चाहिए उतना हम दे रहे हैं। तो आइए मैं आपको और भी दिखाता हूँ कि हमारी पूरी पैदावार कितनी अच्छी हो रही है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है दिखाते हुए, आप सबको बताते हुए कि किस तरीके से कितनी, देखिए देखिए। तो मेरा तो आप सबसे यही अनुरोध है कि स्वस्थ रहिए, ऑर्गेनिक खाइए, ऑर्गेनिक उगाइए। धन्यवाद।